एकदम थोड़ा सा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैंने कुछ वीडियो करके प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो इस गेम कार सिमुलेटर 2 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बट पिछले कुछ वीडियो से मेरा हो नहीं रहा था, मैंने 2 वीडियो डाले और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो ये है मेरी कार और मेरे पास और 2 कार्स थी। मैंने एक नई कार खरीदी है मिशन कर 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 सारे मिशन किए हैं और ये गाड़ी खरीदी है। ये शार्क और ये आराम से 190 तक चल जाती है। सेकेंड ईयर पर बड़े थर्ड ईयर में आ चुकी है। जब उसको सीधा रास्ता मिलता है आराम से आ जाती है, आराम से 200 को उठा लेगी। 5th गियर पर अब देख सकते हो, यहाँ 4th गियर पर आ चुकी है। 4th गियर पर ही आराम से टाइम फीचर्स बताने वाला हूँ ये क्या गेम है। सो यहाँ लेट मी केम कम हियर और गाड़ी को रोकता हूँ मैं और ये देख सकते हो। सो ये है मेरी एक ओपन वर्ल्ड गेम। आप यहाँ जो चाहे वो कर सकते हो, आप यहाँ पिक कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। बट इट्स लाइक अ GTA बट आपको गाड़ी कर हमेशा घूमना पड़ता है। GTA पे जैसे बिना आप गाड़ी के भी आप कहीं जा सकते थे दौड़ दौड़ कर ये कर। बट इसका कैरेक्टर, ये मेनली फर्स्ट पर्सन गेम है। बट इस पर आप गाड़ी से निकल सकते हो, गाड़ी पे घुस सकते हो, गाड़ी के पीछे ट्रंक खोल सकते हो, इंजन खोल सकते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ नोजल भी है और आप गाड़ी का सामने भी खोल सकते हो, इंजन भी खोल सकते हो। अगर आप रोल प्ले कर रहे हो और आप दिखाना चाहते हो कि आपकी गाड़ी खराब होगी तब ऐसा करते हो और यहाँ पे अंदर आ गया और यहाँ घुस भी सकते हो। यहाँ ये आराम से घुस सकते हो एकदम लैम्बोर्गिनी की तरह। ये शार्क गाड़ी आपका नंबर प्लेट भी ऐसे क्लियर। अगर आपको स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम है बिकॉज ये रेसिंग कार है और अगर आपको चाहिए और इसकी सो अगर आपको चाहिए ये प्लेयर बन जाए तो आप अपनी कस्टमाइज करके यहाँ और भी मिशन आते हैं। और अगर आप देखो तो मैं आपको सिंपल बात से समझा, तो अब अगर चाहते हो आपकी गाड़ी की कलर या कुछ भी चेंज कर सकते हो, तो मैं नहीं चेंज करूँगा। बट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं थोड़ी सी अपग्रेडेशंस करूँगा। तो अगर आप अपनी गाड़ी को चेंज कर सकते हो और अगर आपको चाहिए थोड़े से पैसे गाड़ी खरीदने के लिए, सो आपको आप यहाँ पूरी सिटी, ये है पूरी सिटी, ये बहुत बड़ी सिटी है, ये है एयरपोर्ट, ये बहुत बड़ा सिटी है। और मैं कहाँ हूँ जो भी है, मैं यहाँ हूँ। सो आप पूरे सिटी पे मिशंस बोले हुए हैं और यहाँ पास पे दिखा भी हुआ है कि किस लोगों का क्या मतलब है। और मेनली आप खुद अपना पेट्रोल भी भर सकते हो, मैं यहाँ साइड पे पार्क करता हूँ। और आप यहाँ हॉर्न बजा सकते हो, मेन जो हॉर्न का बटन है ये बजा सकते हो, यहाँ से भी हॉर्न का बटन दिया जाता है। बट आप मेन हॉर्न का यहाँ बजा सकते हो, आप गाना सुन सकते हो ऐसे सो बजा शायद रखी जोड़ा पड़ेगी। ओके मेरा म्यूजिक वॉल्यूम क्या लो है। हाँ स्लो सो मैं बंद कर देता हूँ बिकॉज मुझे नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने कैसे किया था और मैंने म्यूजिक वॉल्यूम स्लो ही रखा। आप ऐसे जब भी घूमाते हो आपका एंड क्लोज भी कर सकते हो जैसे देख सकते हो। और अगर आप रोल प्ले कर रहे हो तो आपकी इंजन खराब हो गया ऐसा दिखाना, तो कभी गाड़ी तक ऐसे करते हैं खराब कर सकते हो। फिर आप इंडिकेशन दे सकते हो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ इंडिकेशन देता हूँ और यहाँ हमारी पीछे 2 लाइट चमकती है और आप लाइट भी कर सकते हो। बट अभी थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है, आप देख सकते हो यहाँ हमारी लाइट चल रही है। यहाँ पर मैं शीशे भी उतार सकता हूँ, तो मैंने यहाँ ऊपर गए
जैसे तो एक ये देख लो, और ये आप डोर क्लोज कर सकते हो, इस बटन को दबा के भी आप क्लोज कर सकते हो। तो मेनली गेम का एक ये है हिस्सा है कि अगर आपका विंडो विंडो कुछ भी खुला रहेगा तो ये लोगो आता रहेगा आपके साइड। जैसे मेनली हमारे गाड़ी पे जितने लोगो जाते हैं आते, और यहाँ देख जब हमारी यहाँ पे साइड में स्पीडोमीटर दी जाती है, उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हो स्टीयरिंग के पीछे भी एक स्पीडोमीटर है, तो हमारे चलते ही रुक जाता है। देख सकते हो कहाँ पे जा रहे हैं, और यहाँ सामने पेड़ है, मैं निकल जाऊँगा। हाँ, इनके पेड़ तो ट्रांसपेरेंट है, ठीक, कोई बात नहीं। जब भी मेरा कांटा मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, देख सकते हो ये भी मूव कर रहा है, और ये सिर्फ 4 किलोमीटर गाड़ी चली है, बिकॉज मैं इसको नया ही लाया हूँ। मेरे को 2-3 दिन ही, मैंने शायद आज सुबह इसको खरीदा था, और तो अभी मैं आपको ये निकाल रहा हूँ। तो और मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी है, तो आप ये बटन दबा सकते हो और ये खुद ही हो जाएगा क्लोज, और क्लोज होने के बाद मतलब शीशे बीच सब कुछ क्लोज होने के बाद ये खुल जाएगा। और ये ट्रंक लाइक टेस्ला पे जैसे होता है ना, रिमोट ये करते ही वोट हो जाता है, तो ये एकदम ऐसे ही है, इसको घर से एकदम यही टाइप का है। सो यहाँ पे से आता है, और यहाँ आप डिफरेंट गाड़ी भी खुल सकते हो, लाइक गाड़ी का पट्टा काट जाता हूँ आपके लिए, और गेट बंद कर देता हूँ मैं, और ये अब देख सकते हो इसकी लोडिंग कैपेसिटी। मैंने ऐसे ही कहा कि ये रेसिंग गाड़ी उतनी ज़्यादा नहीं है, बट मेरे जो और दोनों गाड़ी थी रेनॉल्ट, और उस गाड़ी का कंपनी नाम नहीं पता मुझे, मैंने वैसे ही खरीद लिया था उसके पास, उसको जब नई गाड़ी ऐसे खरीदा गलती से खरीद लिया, बट ये हमारी फर्स्ट सुपर कार है। और मैंने जो गैरेज देखा, आप यहाँ से गैरेज भी बाई कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ तो ये भाई खड़ा हुआ, और ये थी मेरे गैरेज जहाँ से मेरी गाड़ी निकली, और यहाँ ये गैरेज ही है तो ये वाला, हाँ सो यहाँ मेरी यही गाड़ी खड़ी रहेगी। और मेरा दूसरा गैरेज जहाँ मेरी सेकंड गाड़ी खड़ी रहती है वह ये देख सकते हो, यहाँ अगर क्लिप करता हो तो दिखती है आपकी कौन सी गाड़ियाँ यहाँ रहती है। सो मैंने यहाँ क्लिक किया है, यहाँ और भी 3 स्लॉट्स खाली है, सो मैंने ये 2 गैरेज खड़ी देते। आपको फ्री गैरेज मिलता है, जो ये वाला गैरेज है आपको फ्री मिलता है, बट उसके बाद पूरे सिटीज़ पे और भी गैरेजेस हैं जो आप बाई कर सकते हो। और ये देख सकते हो ये जो गैरेज है, ये मैंने खरीदा था, यहाँ आप 4 गाड़ी टोटल खरीद सकते हो, एक गाड़ी वाली ऑलरेडी यहाँ खड़ी है, और अब और भी 3 अभी बाकी है, अभी भी और भी 3 स्लॉट्स बाकी है हमने जो देखा। और यहाँ ये जो फ्री गैराज आप देख सकते हो, यहाँ सिर्फ आपकी 2 ही गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है, एक नई गाड़ी और आपकी एक नॉर्मल गाड़ी, तो आपको पहले से ही मिलती है फ्री। सो आपको चूज़ करने का मौका भी दिया जाता है आपकी पहली और फ्री गाड़ी, तब अभी एकदम ब्लॉगिंग करते हो तब आपको कुछ ऑप्शंस के बिटवीन आपको मिलता है, बट वो सभी नॉर्मल फ्लैट्स होते हैं, और वो गाड़ी उनकी सुपर फास्ट भी नहीं होती। और यहाँ देखो मेरा पेट्रोल कम गया और मेरा साइड दे रहे हैं, ऐसे नहीं है मैंने अभी खरीदा है, इसकी बहुत गाड़ी है मेरी, और मैं अपना पेट्रोल कम करता हूँ, तो ये मैंने दोनों ले किया और मैंने ये कर दिया, मेरे को आएगा पे करना पड़ेगा, बट मेरे पास एनफ ये क्या कहते हो $5.60 लगते हैं यहाँ, मुझे पता नहीं ये रुपीज़ है या डॉलर्स है, ये तो मुझे पता नहीं, बट अभी मुझे थोड़े से पैसे कमाने पड़ेंगे, बिकॉज मेरे गाड़ी पे है नो पेट्रोल, और उसके बाद मैं आपको फिर से कहूँगा कि क्या क्या करते हैं। तो यहाँ एक टैक्सी का जॉब है, सो टैक्सी वाली आप इन देखो, तो आप देख सकते हो यार टैक्सी का लोगो आ रहा है, मतलब यहाँ जाकर आप टैक्सी
का जॉब कर सकते हो और आपको हर एक कस्टमर के लिए लिमिटेड प्राइस मिलेगा। तो मेरा कांच यहाँ क्लोज था, लाइक आप मैंने देखा कि आपने देखा होगा कि मैंने अपना कांच जो है खुला रखा था और यहाँ सिग्नल भी आते हैं, बट यहाँ कोई रूल अगर आप ब्रेक कर तो आपके पीछे पुलिस नहीं पड़ती। और मेरा टैक्सी छूटा है क्या? हाँ इस पर टैक्सी, सो आप पैसेंजर्स को ड्रॉप करके थोड़े से पैसे कमा सकते हो, मुझे इस गाड़ी को फुल करना है तो इसलिए। सो यही एक पैसेंजर खड़ी हुई है, मेरी पैसेंजर यही खड़ी हुई है। सो रात हो गई और मैंने आलो जला दिया है, मेरा जो हेडलाइट था ये देख सकते हो, और अब हेडलाइट कितना ब्राइट है, सुबह से भी ज़्यादा ब्राइट है, देख सकते हो पूरा रास्ता दिख रहा है। दूसरे भी गाड़ी आती है, आप ट्रैफिक डेंसिटी है सेटिंग सब आप किससे कंट्रोल करना चाहते हो। मैं मीडियम ग्राफिक्स लगता हूँ, हाई ग्राफिक्स मेरा फ़ोन सेटिंग पाएगा, तो हाई ग्राफिक्स के लिए ना फोन, बट हाई ग्राफिक्स मुझे नहीं चाहिए, मीडियम ग्राफिक्स चाहिए, मीडियम ठीक है। और लैंग्वेज भी आप चूज़ कर सकते हो, म्यूज़िक भी चूज़ कर सकते हो, ट्रैफिक डेंसिटी भी चूज़ कर सकते हो, मुझे इतना ही नॉर्मल ट्रैफिक डेंसिटी लगता है। सेंसिटिविटी आप चूज़ कर सकते हो, सेंसिटिविटी भी नॉर्मल है, और मेरे शैडो भी चूज़ कर सकते हैं, आप जो चाहे चूज़ कर सकते हैं, आपकी जो पसंदीदा चीज़ है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ टाइम लेफ्ट बचा है तो इतना टाइम में मुझे इस पैसेंजर को वहाँ तक पहुँचा देना है, नहीं तो ये मुझे पैसे नहीं देगी और मेरे पैसे ऊपर से कट जाएंगे। क्यों ऐसा है? बिकॉज मुझे पता नहीं कि क्या लोगो है, बट यहाँ पर पहुँच जाता हूँ, बिकॉज सुपर फास्ट कार नेवर गेट्स इट। सो यहाँ पास में तो है नहीं तो सुपर, ये और चाहिए मुझे और एक पेट्रोल करने के लिए तक। मेरी गाड़ी पे पेट्रोल किया है, मैंने देखा नहीं, और मेरी गाड़ी पे थोड़ा सा पेट्रोल खर्च किया देखता हूँ, वीडियो देखो मारा। हमारे यहाँ वाईफाई लग चुका है, कोई सुविधा नहीं है गाड़ी। ये पैसेंजर अपने आप ही बढ़ गया, तो थोड़ा सा बाकी और थोड़ा सा 4 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ जब भी मैं जितना दूर जा रहा हूँ ये गाड़ी का ये लोगों भी बढ़ रहा है। और अगर आपकी गाड़ी 5 मिनट उतरती है तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैसे होते हैं, यहाँ टाइप होता है, यहाँ सस्ता होगा शायद, देख सकते हो। कोई मुश्किल, यहाँ पास ही में मेरा गैराज है, बट पे कैसे देखो ऐड वर्ड देख कर अगर गाड़ी करेगा गाड़ी पर देखकर एड देखकर फिर से बात। तो गाइस हो गया है मेरे साथ एकदम ही गलत थिंग, एड नहीं चल रहा, वजह से सर्वर डाउन होगा शायद, थोड़ा सा पेट्रोल बाकी है, थोड़ा सा और पेट्रोल बाकी है, ब्लू ब्लू साइड आ रहा है, दोनों गाड़ी में पेट्रोल अबाउट वरी अबाउट। यहाँ पास ही भी मेरा गैरेज है, आपको दिखाना तो बनता है मेरा काम है, और तो ये मैं काम अगर कर सकता था, हाँ मुझे मिल जाएंगे इस पर सर जॉब अगर मैं कर दूंगा तो मुझे इनफ मिल जाएंगे, और इस पे आपको मेरी ही गाड़ी मिलती है, बट इसको आपको इनफिनिट मिलता है पैसे, आप कोई बात नहीं, आप दावी करते हो कोई बात नहीं होता। अरे मैं तो जा भी नहीं पाऊंगा,
और नो मेरा मिशन फेल हो गया। मैं क्या करूँ, पेट्रोल थोड़ा सा ही है गाइस। अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँगा तो 7000 मिल जाएंगे। इस पर आपको नो फ्यूल का चिंता नहीं है, आपको मिशंस पे फुल फ्यूल दी जाती है टैक्सी के बिना। सो टैक्सी का जो फुल मिशन है उस मिशन के बिना आपको पूरी जो है दी जाती है। देखता हूँ यहाँ मेरी गाड़ी जीत पाती है, भरोसा तो है मेरी गाड़ी पर। और हमारे अंदर टक्कर होती थी मेरा थोड़ा ऊपर जब बदल चलेगा है। अरे काफी पीछे छोड़ मेरे कार पर, मेरी गाड़ी के ऊपर बड़े पर विश्वास है। मेरी गाड़ी के ऊपर मैंने ठीक ठाक के पैसे खर्च किया। एक गाड़ी के ऊपर मैंने फालतू का पैसा उड़ाया था, जो था वो एक सादी कलर की गाड़ी जिसका मेरे कलर चेंज किया। सो उसमें मैंने एकदम फालतू का वेस्ट किया था। वो गाड़ी मुझे एकदम लाइक वर्थ इट नहीं लगी। उसका $5 होना चाहिए था पेट्रोल के दाम पे बिकना चाहिए था जो गाड़ी है ना वो। बट फिर भी अब एक्सपेक्ट कर ही गया, बट ये गाड़ी मैंने एकदम ठीक तरह से पैसे खर्च किया और इस गाड़ी को लिया। ये गाड़ी हमें फर्स्ट प्लेस दिला रही है। जबकि कहा ये एक रेसिंग गाड़ी है इसलिए इसका लोड कैपेसिटी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है और डिज़ाइन पे भी इसका उतना ध्यान नहीं दिया गया है। मेन तो ध्यान दिया गया है इसके स्टेबिलाइजेशन पर, इंजन पर, टायर्स पर। और हाँ, इस पर एक बार इस पर टायर के पंचर नहीं होते, टायर की हवा नहीं निकलती, टायर स्पेस से जुड़ी कुछ नहीं है। और टायर सबके कलर कर सकते हो आप, टायर्स के कलर वगैरह मैं उसके बारे में बताऊँ तो बट मैंने मुझे ये वेस्ट होता है नासी में एक मिनट होगा काफ़ी दूर हो जाएगा मिडिल तक। अगर वो भी है तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी हंसते 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 अगर खींचूंगा तो हो जाएगा भाई 11000 है और सब बच जाएगा। कुछ लगा अभी हट ना फुल हो जाएगा। अभी जो गाड़ी हो गई है ना हालत तो और भी लग सकता है। फाइनली हमारी गाड़ी खत्म हो रही है। सो अब तो पेट्रोल का मामला खत्म हुआ है। सो मैं जो बता रहा था वो सारा कुछ मिल गया। सो अब मैं आपको दोनों गाड़ी की कलेक्शन दिखाता हूँ। अब मैंने एक ये गराज खरीदा था जहाँ, तो मैंने आपको गैराज के बारे में तो बता ही दिया और अब देख सकते हो मेरा पेट्रोल भी कितना कम गया और मेरे पैसे जमा जमा करके करके पेट्रोल
और यार ये बिकॉज यही मेरे एरिया है, सो या यही मेरा एरिया, तो मैं यहाँ पर करती हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ। और तो अब क्या है, एक हा इस पर पुलिस नहीं पड़ती, आप जितने पुलिस आपका पीछा नहीं करती, फाइव स्टार वन पे बढ़ती कुछ नहीं है, मतलब बाकी ड्यूटी की तरफ गेम है, ड्यूटी की तरफ पूरी नहीं है। यहाँ एक जी टी ए का डिफरेंस आ जाता है, अरे भाई क्या बोल रहे हैं, जी टी ए पे आपके पीछे पुलिस पड़ जाती थी, बट इस पर कोई भी पुलिस कुछ नहीं करती, जब आपको टाइट दिया होगा, जैसे पुलिस का भी एक जॉब है, कोई एक्सीडेंट पकड़ो, कोई चेजिंग करो, मैंने आपको दिखाया था एक पुलिस का जॉब, और यहाँ है वो वर्कशॉप जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये रहा वो वर्कशॉप, ये मैक्सिमम जूम है ऑफ द मैप, अब जूम आप भी कर सकते हो ये सबसे, और ये पूरा मैप है आप देख सकते हो, यहाँ ये है एयरपोर्ट और ये है मेरी फर्स्ट गैराज जहाँ मेरी स्पोर्ट गाड़ी खड़ी रहेगी, और ये है मैं आ गया हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी गाड़ी, ये देख सकते हो या तीन तीन गाड़ी, अब तो मैं अभी टोटल तीन तीन गाड़ी खरीद लिया हूँ, तो ये है मेरी गाड़ी जिसपे एक भी पेट्रोल लिया, और एक पे थोड़ा सा भी पेट्रोल लिया, तो इसको मैं देखता था यही पड़ी रहा, और ये है मेरी गाड़ी जिसपे मैंने एक तो मेरा कलर चेंज हो गया, ये ऑलरेडी आज की वीडियो पे बहुत लंबी वीडियो बन गई 22 मिनट्स की, सो अगर मैं अब अपलोडिंग बचा रूँगा तो 5-6 बजे तक होगा, बिकॉज अभी बच रहे हैं शाम, सो गुड बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, इट्स योर टीटो साइनिंग आउट।